Hi friends, I am before you once again with my new video. In this video I want to tell you how to prepare for your NEET in just 60 days. As you all know that only around 2 months are left for your NEET UG examination, and it is around on May 7. So आप लोगों से ज़्यादातर लोगों ने सोच रखा होगा कि अब तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, अब हम प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी ये पॉसिबल है. मेरा एक फ्रेंड था, वो ही वॉज वेरी टेंस अराउंड व्हेन हिज AIPMT वॉज अराउंड 6 years ago, एंड ही टोल्ड मी नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट सेलेक्टेड दिस ईयर. देन आई टोल्ड हिम दैट जस्ट यू पुट डाउन योर एफर्ट्स एंड लीव द रेस्ट. अब उसने एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया. रोज़ 7 घंटे 8 घंटे वो पढ़ता था. फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसकी ऑल इंडिया PMT में रैंक थी 384. तो बिलीव मी इट इज़ ऑल पॉसिबल. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है. आप अभी स्टार्ट जस्ट नाउ, आप अभी अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और अपनी बुक्स लेके सबसे पहले आप बैठ जाइए. उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है अभी. तो अभी आपके AIPMT जैसे कि अब 7 मई को है, तो अराउंड 55 डेज हैं. तो अब अराउंड अगर आप 12 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो यार 2 महीने ही यार पढ़ लो. अगर सिलेक्शन हो जाता है तो तुम्हारा 1 साल बचेगा, तो 2 महीने पढ़ने में क्या हर्ज है. तो अब सब कुछ छोड़ दो, TV मोबाइल, और अब पढ़ना स्टार्ट कर दो. सिर्फ 2 महीने और फिर देखो इसका रिज़ल्ट क्या होता है. तो अगर आपके पास 55 डेज अराउंड हैं अभी और आप 12 आवर्स अ डे पढ़ते हैं, तो करीब 610 घंटे 610 आवर्स आपके पास अभी भी हैं. यानी कि आपके बायोलॉजी में करीब 11th की जो बायोलॉजी है उसमें करीब 20-23 चैप्टर्स हैं, और 12th की बायोलॉजी में अराउंड 16 चैप्टर्स हैं, तो अराउंड 40. तो और ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री में 30-40 इस तरह से 40 यूनिट पर सब्जेक्ट लगभग हैं आपके पास. तो अगर आप 610 आवर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 100 चैप्टर टोटल कंप्लीट करने के लिए आपको पर चैप्टर आपको 6 आवर्स मिल रहे हैं. 6 आवर्स, और कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का ऐसा नहीं है जो कि 10 से 12 पेज से ज़्यादा है उसका कंटेंट. और आप आधे घंटे भी एक चैप्टर एक पेज को पढ़ने में लगाते हैं, उसके बाद भी वो पेज आप कंप्लीट कर सकते हैं. तो अभी आपको करना क्या है कि नेक्स्ट 40 डेज तक आपको एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, वो कि अराउंड अप्रैल 23 के अराउंड आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद जो लास्ट के 15 डेज होंगे उसके लिए रिवीजन और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो टाइम रहेगा. तो अभी कल से अगर आप स्टार्ट करते हैं या फिर इवन अभी से ही, तो 1 चैप्टर पर डे पर सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है. तो अभी आप बायोलॉजी के लिए आप NCERT का हर एक चैप्टर रोज़ एक चैप्टर पढ़िए. और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए ऐसा है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक्स आते हैं प्रीवियस 10-15 ईयर्स, आप वही क्वेश्चंस करिए. तो अराउंड 50 क्वेश्चंस डेली आप 25 फिज़िक्स 25 केमिस्ट्री करिए. क्योंकि इसका एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जो भी ये टॉपिक्स हैं जो भी इस एग्ज़ाम में आने हैं आपके, वो टॉपिक्स बहुत लिमिटेड हैं. ऑप्टिक्स से है तो ऑप्टिक्स से वही क्वेश्चन आने हैं, इलेक्ट्रिसिटी से है फिज़िक्स में तो इलेक्ट्रिसिटी से वही क्वेश्चन आने हैं. तो ऐसा नहीं, तो जो प्रीवियस अगर 15 ईयर से क्वेश्चन से आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपके मोस्टली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इस साल सेलेक्ट हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रैंक से, अंडर 500 रैंक से. तो आप 25 क्वेश्चन फिज़िक्स 25 केमिस्ट्री अगले 40 डेज तक आप सॉल्व करिए, और एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़िए. और आपके पास सफिशिएंट एम्पल टाइम है फॉर द कोर्स कम्प्लीशन. इस तरह से 40 डेज में आप कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे. फिर आगे जो 15 डेज बचते हैं उसमें आप वापस से सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी उसके मॉक टेस्ट दे दीजिए, या फिर उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, और आप AIPMT अटेम्प्ट करके आइए. देखिए आपके जो आंसर होते हैं MCQ में आपकी नज़रों के सामने ही होता है, तो 4 ऑप्शंस में आपको वैसे भी याद आ जाएगा. तो आप ये मत सोचिए कि मुझे याद रहेगा नहीं याद रहेगा. आप बस अभी से रोज़ सिर्फ अगले 2 महीनों के लिए 12 घंटे पढ़ने के लिए
तैयार हो जाइए यार, कर लो यार, दो दो महीने ही हैं, अगले एक साल आपका बचता है। आप अगले, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो मैं यहाँ था कि आपको बस लास्ट 2 महीने की पढ़ाई करनी है, तो आपको उसका फुल यूज़ कर लेना चाहिए इस टाइम का। तो ठीक है, तो आप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आप पढ़ाई करेंगे, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।